देखिए बहुत विशेषताएं हैं इस शो की, और जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा इवेंट 2023 का हमारा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का है, जो इस समय आज शुरू हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास 200 से ज़्यादा ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, और 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स आने की हमें पूरी उम्मीद है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से दिन शुरू हुआ है, बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर विजिटर्स आए हैं। और उसके साथ साथ हमारा इस साल का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पे है। इनफैक्ट इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने ऑलरेडी एक टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अगर भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो पहुंचना है तो इस सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। और जैसे मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी बोला है कि हम लोग बहुत इनोवेटिव, कुछ नए हमने आइडियाज़ लेके आए हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब तक हमारा जो इंजन है इंस्पिरेशन का, उसमें नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और पहला आइडिया हमने निकाला है कि हम लोग एक क्लोज डोर CEO कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जो कि आज 2:30 से 4:30 बजे है, और उसकी जो टेकअवेज हैं, उसकी जो डेलिब्रेशंस हैं, उनको हम लोग एक वाइट पेपर के रूप में कैप्चर करके गवर्नमेंट को पेश करेंगे कि भारत के टॉप CEOs का इस सेक्टर के बारे में ये विचार है। और कल हमारा CTO कॉन्क्लेव है, जिसमें टेक्नोलॉजीज के ऊपर रहेगा, तो एक इवेंट का कॉम्प्रिहेंसिव वाइट पेपर बनेगा, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री को इंस्पायर और एस्पायर करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए, और उनकी सक्सेस स्टोरीज को, चाहे वो एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन, कल हमारा सेकेंड हाफ में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का अवार्ड्स है। और आज हमारे साथ जैसे बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज दोपहर 1 बजे से इनके अलग अलग मीटिंग्स हैं, वेस्टर्न रीजन की, महाराष्ट्र रीजन की, और उसके बाद कोस्टल रोड के ऊपर इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीट होने जा रही है हमारे ही शो के अंदर, और आज एक गुजरात से भी डेलीगेशन आया है हमारे पास। तो ये एक दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट और कितना इंक्लिनेशन है इस सेक्टर का, जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका आने का। तो आपने जिक्र किया रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर भी जी पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल। तो किस तरह से वो इस प्रदर्शनी को ले रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, और उनसे क्या लाभ अपने देश को हो रहा है, निर्माण? देखिए टेक्नोलॉजी का लाभ तो मेरे ख्याल से हम और आपको, जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, सबको हो रहा है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो। और जहाँ तक रिलायंस की बात है कि रिलायंस तो एक ऐसा नाम है भारत के क्षेत्र के अंदर, इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर, कि जिस फील्ड में अगर एंटर करता है तो देन ही मेक्स बिग, राइट। और रिलायंस का भी ऐसा ही कुछ एम है कि जिस वॉल्यूम्स की वो बात कर रहे हैं, जो कॉन्क्रीट के जो मटीरियल्स हैं, दे नॉट गेटिंग इन टू स्टील, दे नॉट गेटिंग इन टू सीमेंट, लेकिन जो उसमें इतने कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जाते हैं, जो कंक्रीट की क्यूरिंग में हेल्प करते हैं, उसको फास्टर क्यूरिंग करने के अंदर, ताकि स्पीड बढ़े प्रोजेक्ट की, दे आर गेटिंग इनटू द टेक्नोलॉजिकल स्पेस, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग्स हैं, डेटा एनालिटिक्स है, और 3D प्रिंटिंग की जो मैंने बात की, 3D प्रिंटिंग आप देखेंगे हमारे शो में भी है, तो एक बहुत ही अद्भुत, जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए क्या कर सकती है। और एक मैंने कंक्रीट स्कैनिंग की बात की है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फ्लोर पे दिखेंगी, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए, कि भारत इस समय उस स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे इसको आगे एक्सेलरेट होने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए करीबन हमारे पास इस समय 11 देशों की कंपनीज हैं, और 200 से ज़्यादा ब्रांड्स फ्लोर पे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो स्पीकर्स आए हैं, दे आर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, 10,000 विजिटर्स अगेन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और हमारे पास हमारी अपनी लास वेगास टीम के जो टेक्निकल हेड हैं वो आए हैं, क्योंकि उनको उन्होंने यहाँ पे मास्टर क्लासेस कर रही, उन्होंने स्पेशली हमने इन्वाइट किया है कि भारत जैसे देश को टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उनको अवेयरनेस करानी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मास्टर क्लासेस रहेंगी, और आई एम श्योर सबके लिए यहाँ पे बहुत एक कुछ ना कुछ टेक अवे है। और जैसा मैंने WOCiConnect.online की बात की, डिजिटल मार्केट प्लेस को हमने अनवेल किया है, लॉन्च किया है, और मेरे ख्याल से फरवरी तक हमारा ये पोर्टल रेडी हो जाएगा, और फिर तो फिजिकल कम्युनिटी एंड डिजिटल कम्युनिटी बहुत अच्छा प्रॉस्पर करेगी। और हमारा प्रयास यही है कि इस सेक्टर के लोग, इस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, जितना जल्दी करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, देश उतना आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम सबका विकास, देश के विकास में ही छुपा हुआ। सरकारी वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, उस पर कई बार आरोप लगते हैं कि ठीक से कामकाज नहीं होता है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अपने तरफ से कि उनका भी जो निर्माण कार्य है वो अच्छे ढंग से रहे, और यहाँ का जो एग्जीबिशन लगा है उसके बारे में?
एग्जीबिशन का बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इंफॉर्मल मार्केट्स में, और स्पेशली ये जो अवेयरनेस है वो न्यू टेक्नोलॉजीज है। अभी आपने सुना कि पॉट होल वाला जो इशू है वो तार रोड के ऊपर, आज तक अपने को तार रोड हटाना पड़ता है अगर उसके ऊपर अपने को कंक्रीट रोड करना है, वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग तार रोड के ऊपर लेयर डाल के ये कंक्रीट का हो जाएगा 72 आवर्स। तो जो टाइम और ये सारे इश्यूज थे वो सारे इस टेक्नोलॉजी में सॉल्व हो रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, 3D प्रिंटिंग, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, इस सब की अवेयरनेस यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरे को लगता है इसका बहुत फायदा होगा सर।